नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक फोर्स के लिए एक्सप्रेशन दे रखा है एल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। तो यहां से अगर हम एल्फा की डायमेंशन निकालें तो वो बन रही है एफ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर एंड बीटा इज फोर्स डिवाइडेड बाई टाइम टी। हमको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन डायमेंशन लेस बनेगा। तो आप वन बाई वन इनमें डिजिट पुट करके देख लीजिए या फिर एक दूसरा तरीका देखिए, इसमें यहाँ टी स्क्वेयर है तो इसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एफ अपॉन टी बन जाएगा। तो ऐसा सिस्टम कौन से ऑप्शन में हो रहा है? ऑप्शन नंबर फोर में, क्योंकि आप जब एल्फा टी कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा एफ डिवाइडेड बाई टी, और जब इसको बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा की डायमेंशन भी क्या है? एफ अपॉन टी है। तो दोनों डायमेंशन कैंसिल होकर डायमेंशन लेस टर्म मिल जाएगा।